सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अल्फा ओवरसीज। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा ओवरसीज पर गाइज। सो गाइज, बेसिकली आज का टॉपिक आपने जान लिया होगा थंबनेल एंड टाइटल से, इतना समझ गए होंगे कि आज हम कौन से टॉपिक पे आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। सो गाइज, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो माल्टा की जॉब्स के बारे में है। ओके, माल्टा की जॉब है गाइज। अगर आप में से कोई भी उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बहुत ही ईजिली कर सकता है। बेसिकली ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है, ना ज़्यादा क्वालिफिकेशन, ना ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ओके, काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पे मेरे बंदे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं वीडियो बनाऊँ, बट ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी। सो जब आज आई मेरे पास तो मैंने सोचा आपको क्यों ना बताया जाए। ओके, सो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप ही लोगों के लिए। अच्छे से देखना, अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेना, ताकि हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ जाए। ओके, सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, पहली बार व्यू कर रहे हो, हमारे चैनल पर आए हों, सो गाइस उनसे रिक्वेस्ट है कि हम ऐसी ही वीडियोज़ रोज़ रेगुलर बेसिस पे लेकर आते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़, एंड न्यूज़ लेकर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, वेदर आपके PR, सिटीजनशिप, टूरिज्म के रिलेटेड हो, कोई भी कंट्री की, तो हम लेकर आते रहते हैं। इसलिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अप टू डेट आप रह सको। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बेसिकली जो जॉब है वो आपकी माल्टा की स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ उसकी पोस्ट शेयर करना चाहूँगा कि कौन सी पोस्ट हमारे पास अवेलेबल है। बेसिकली हमारे पास जो जॉब अवेलेबल है माल्टा की स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, वो है आपकी जनरल वर्कर की। ओके, सो गाइस, जनरल वर्कर में बेसिकली ज़्यादा वर्क नहीं रहता है, इसलिए मैंने आपसे पहले कह दिया था, ना ज़्यादा हाई क्राइटेरिया, ना क्वालिफिकेशन ज़्यादा चाहिए है, ना ही आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगेगी इसको अप्लाई करने में। ओके, बहुत ही ईजी है, एफिशिएंटली आप अप्लाई कर सकते हो हमारे थ्रू। ओके, एंड अब बात करूँगा मैं आपसे सैलरी की। ओके, सैलरी गाइस आपकी क्या रहेगी? सैलरी जो है गाइस आपकी 550 यूरो रहेगी। आपकी 10 आवर्स की ड्यूटी रहेगी नॉर्मल, प्लस आप ओवर टाइम भी आपको मिलेगा। अगर आप करना चाहो तो गाइस बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कहीं भी वर्क करने जा रहे हो तो वहाँ पैसे ही आपको कमाना है। सो जितना आप वर्क करोगे, जितनी देर वर्क करोगे, उतना आपको पैसा मिलेगा। एंड बेसिकली पर आवर के हिसाब से जब आप वर्क करोगे, ओके, सो आपको वो सैलरी मिलेगी। ओके, अब 2 आवर्स जैसे आप करते हो तो ये डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो आपको कितना पे करती है। अभी बेसिकली ये नहीं पता है कि कितना आपको पे कर रही है, बट जो डिमांड ड्राफ्ट में आई थी वो ये थी कि आपको जितना मतलब पे किया जाएगा, आप जैसे रेगुलर बेसिस पे जितना आपको पर आवर के हिसाब से आपको पे किया जाए, उसके डबल आपको पे किया जाएगा 2 आवर्स के लिए। ओके, जितना आप ओवर टाइम करोगे, इट डिपेंड ऑन यू कि आप करना चाहते हो या नहीं। ओके, अब अलाउंस की मैं बात करूँगा। बेसिकली अलाउंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि अलाउंस में आपका फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, ये सब आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अलाउंस में आपका फूड फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, एंड आपका एकोमोडेशन फ्री है। सो बेसिकली आपको कहीं भी अपने पैसे जो हैं खर्चा नहीं करना है। आपके जो अप्रॉक्स सैलरी है वो आप सेविंग कर ले जाओगे बहुत ही आराम से, क्योंकि बेसिकली आपका ट्रांसपोर्टेशन क्यों मिल रहा है, क्योंकि गाइस बेसिकली आपको कभी वर्क साइट पे भी रह सकता है। ओके, या तो कंपनी में भी। ओके, जैसे आप साइट पे अगर स्टील देने गए, या आप अपनी कंपनी में ही वर्क कर रहे हो, तो जो ट्रांसपोर्टेशन आने जाने में आपका लगेगा उसको पे करेगी कंपनी। फूड आपका फ्री है, एकोमोडेशन आपका फ्री है। एंड बेसिकली एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताऊं इस डिमांड की, वो ये है इस अपॉर्चुनिटी की, कि गाइस इन केस देखो, कहीं भी हम रहने जाते हैं ना गाइस, तो हमें कोई ना कोई इलनेस हो जाती है, कोई भी बीमारी या तबीयत हमारी ख़राब हो ही जाती है। ओके, ये तो जाहिर सी बात है, जब हम अपने होम कंट्री में रह रहे हैं तो भी हो जाती है, बट अपनी होम कंट्री में रहने के बाद ज़्यादा परेशानी नहीं होती, बट अगर हम कहीं और जाके वर्क करते हैं तो वहाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि बेसिकली वहाँ की जो करेंसी है उसमें बहुत फ़र्क रहता है हमारी इंडिया की करेंसी में। ओके, सो हमारी इंडिया की करेंसी कम रहती है, बट वहाँ की ज़्यादा। अगर इन केस हमें वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ का ट्रीटमेंट करना बहुत ही हमारे लिए महंगा पड़ता है, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। सो गाइस, वो ट्रीटमेंट जो है वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। सो गाइस, बहुत अच्छी बात है, बहुत, अगर यूँ कहा जाए तो बहुत ही सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनमें गाइस
ऐसी कोई भी आपको अलाउंस नहीं दी जाती है, बट यहाँ आपको दी जा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। एंड गाइस, आपको जो है हर एक वन ईयर के बाद, हर एक साल के बाद आपका मेडिकल होगा। बेसिकली इसलिए होगा क्योंकि आपको देखने के लिए कि आपके अंदर, आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी छुपी हुई इलनेस तो नहीं है या कोई आपको डिजीज़ तो नहीं है, सो इसलिए आपका हर एक साल के बाद चेकअप होगा। एंड गाइस, जो ये वर्क परमिट है, रिन्यूअल भी है, आप चाहो तो इसको रिन्यूअल भी करवा सकते हो। 2 ईयर्स का बेसिकली वर्क परमिट रहेगा, उसको फिर से अगर रिन्यूअल करवाना है तो आप फिर से रिन्यू उसको करवा सकते हो। ओके, सो गाइस, ये सब आपको अलाउंस जो हैं बहुत ही अच्छे मिलने हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सो बेसिकली आपकी सेविंग्स अच्छी होनी है, ये बात आप समझ जाओ कि बहुत अच्छे से आप वर्क कर पाओगे बिना कोई टेंशन के, बिना कोई ऐसी सिचुएशन के। कोई भी आपकी सिचुएशन नहीं आएगी, बेसिकली आपको कंपनी जो है वो पूरा सपोर्ट करेगी। ओके, एंड अब बात करते हैं हम अपने क्राइटेरिया की। बेसिकली क्राइटेरिया हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक डिमांड ड्राफ्ट में आता है, क्योंकि बेसिकली हर एक पोस्ट के लिए एक अपना एक क्राइटेरिया होता है। बेसिकली इसमें क्या क्राइटेरिया है, आपकी 25 to 35 एज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना 25 के लेस देन होनी चाहिए। आपकी मिनिमम एजुकेशन 12th होनी चाहिए। एंड गाइस, आपको इंग्लिश बोलना आनी चाहिए। आपकी हेल्थ जो है अच्छी होना चाहिए। आपको अपना पिक सेंड करना पड़ेगा, अपना फ़ोटो सेंड करना पड़ेगा जो कि आपका फुल रहेगा, जिसमें आपकी वो हेल्थ देखेंगे। ओके, एंड गाइस, इंग्लिश बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आनी ही आनी चाहिए। ओके, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस लाइन में। ओके, जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो। इन केस अगर आपकी एजुकेशन लेवल अच्छा होगा तो भी आपको ले लिया जाएगा। काफ़ी सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो रिलेट करते हैं कंपनी से, कि कंपनी को क्या चीज़ आपकी अच्छी लग जाती है। एंड अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी एंड आपने वर्क नहीं भी किया होगा तो भी वो ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी गाइस, तो मैं तो कुछ इसमें नहीं कह सकता, बस मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आपका मैं कनेक्शन जो है कंपनी से करवा दूँ ताकि आपका वर्क हो जाए एंड हमारे ज़रिए से आपकी हेल्प हो जाए। ओके, सो ये आपके क्राइटेरिया रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, ना ज़्यादा क्वालिफिकेशन है। बेसिकली कोई भी यूरोपियन कंट्री में 12 तो मांगा ही मांगा जाता है गाइस, क्योंकि जाहिर सी बात है अच्छी कंट्रीज़ हैं यूरोप साइड की, तो जाहिर सी बात है आपसे कुछ ना कुछ तो छोटा मोटा क्राइटेरिया रखा ही जाएगा। ओके, सो गाइस, यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे अपने आज की अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे शेयर करनी थी। आपकी रिक्वेस्ट थी तो मैं ये वीडियो बनाई और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो एक और चीज़ कि आपकी डॉक्यूमेंट्स क्या लगे हैं। डॉक्यूमेंट्स सेम एज हर एक बार परमिट में ज़्यादातर सेम ही रहते हैं। आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विद अ वाइट बैकग्राउंड 3:5 रेशियो रहेगा। पासपोर्ट स्कैन कॉपी फ्रंट एंड बैक। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एंड गाइस, आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके पास जब भी आप कोई अच्छी कंपनी में वर्क करते हो तो वहाँ से आपको एक ग्रेड मार्किंग मिलती है, उस एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपकी परफॉर्मेंस पे ग्रेड मार्किंग होती है। सो अगर आपके पास वो है वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन मोड आपका स्काइप इंटरव्यू भी रहेगा और टेलीफोनिक इंटरव्यू भी रहेगा, क्योंकि बेसिकली आपको वो चेकआउट करेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी, आप हेल्दी हो या नहीं हो, आपकी स्पीकिंग कैसी इंग्लिश में। सो ये सब सारी चीज़ें चेक करेंगे इसलिए। एंड अगर आपके पास ग्रेट मार्किंग वाला सर्टिफिकेट होता है जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो बहुत अच्छा रहेगा, सिलेक्शन में आपको बहुत ही मदद होगी। ओके, इसके थ्रू। सो गाइस, यही सब डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भेजना है अगर आप हायर हो 12th के भी। ओके, 12th से ज़्यादा आपकी एजुकेशन है, डिग्री होल्डर हो, डिप्लोमा होल्डर हो, वेदर कोई भी लाइन में, तो भी बहुत अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, यहीं पर ख़त्म होती है हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। फिर से मिलेंगे हम बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के साथ गाइस, बट आपको तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा गाइस हमारे अपने यूट्यूब चैनल अल्फा ओवरसीज़ पर। गाइस, अगर अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल आईडी नंबर दिया हुआ है, वहाँ से जाके लो एंड हमें कॉन्टेक्ट करो। सो गाइस, बाय।